अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं जहां से आप मेरी आने वाली और भी वीडियोस को भी कैचअप कर सकते हैं। साथ ही याद रहे अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो आप मेरी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। अब चैप्टर के नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ द टेंपल इन द मेसोपोटामिया। क्योंकि समय के साथ साथ अब वहाँ पर इतनी मात्रा में चीजें पैदा होने लग गई, लोगों ने लिखित में रखना चालू कर दिया, तो लोगों को क्या लगता था कि भाई अब ना जो भी राजा आता था अपने टाइम पीरियड में वो क्या करता था कि लोगों से टैक्स तो लेना था, टैक्स भी लेता था, चीजों को इकट्ठा भी करता था, रिटर्न में चीजें आ रही है जा रही है वो रिकॉर्ड में रखना जरूरी था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके द अर्लीस्ट सिटी अमर्ज अराउंड द टेंपल। यहाँ पर अब होना क्या चालू हो गया कि लोगों ने जो मंदिर बनाने चालू कर दिए ना, उन मंदिरों के साथ साथ अब पूरा का पूरा इलाका धीरे 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 करके एस्टैब्लिश होना चालू हो गया। अब एस्टैब्लिश होना चालू हो गया तो मंदिर के चारों तरफ क्या कहते हैं, अब एक केंद्र बना दिया गया। केंद्र कैसे बनाया जा रहा है वो आप समझेंगे। केंद्र बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या था, यहाँ पर मंदिर जो था ना उन लोगों के लिए सबसे स्पेशल चीज मानी जाती थी। क्योंकि उनको क्या लगता था, उनकी एक ऐसी फीलिंग थी कि भाई जो कुछ भी चीजें पैदा हो रही है यूफ्रेट और टाइग्रिस नदी के आसपास के इलाके में वो सारे की सारी देने वाली देवताएं। तो इसीलिए मंदिर जो था ना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता था। पहले मंदिर एक टेम्पररी बेसिस पे बनाया जाता था और उसके बाद आसपास घर को एस्टैब्लिश करवा दिया जाता था। इससे क्या होता था कि मंदिर की जो स्पेशलिटी होती थी वो भी बढ़ती थी और लोगों का वहाँ पे आसपास बस जाना उनकी रिलीजियस थिंकिंग को दिखाता था कि देवताओं के पास रहना कुछ ऐसा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि सबसे पहला जो टेंपल कभी बनाया गया होगा उसके लिए कोई प्रॉपर बेस पे एक हाईली क्लास सीमेंटेड दीवारें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उन लोगों के पास थोड़ी ना थे कहते हैं एक प्रॉपर ईंट हुआ करती होगी, कुछ हुआ करती होगी। नॉर्मल बेस पे टेंपल बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे और उसमें एक स्टैचू एक मूर्ति रख दी जाती थी जो ऐसा माना जाता था कि सूरज भगवान मून हो गया, या बोलते थे कि जो जमीन है वो हमारे लिए एक देवता के समान, क्योंकि वही हमें खाने के लिए दे रही है। तो जो चीजें दिखाई दे रही है सूरज की किरणें हैं उससे हमें फायदा हो रहा है, वी आर कंपेयर देम एज अ गॉड। चांद है रोशनी मिल रही है, कंपेयर एज अ गॉड। पेड़ पौधे हैं उनसे हमें खाने को मिल रहा है, कंपेयर एज अ गॉड। तो इन लोगों ने क्या करा, शुरुआती समय में कुछ भी चीज परफेक्टली एस्टैब्लिश नहीं करी जाती, मंदिर बहुत छोटी मात्रा में बनाए गए सिर्फ एक दिखाने के लिए कि उनका रिलीजियस पर्पस क्या था इस मंदिर से। अब जहाँ पे मंदिर बनते थे तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था, इसीलिए आसपास करते धीरे धीरे करके वहाँ पे सिटी भी इस्टेब्लिश होने लग गई। और इन्हीं मंदिरों के अंदर क्या कहते हैं, जो जैसे कि सपोज माने कि कोई भी किसान है, कोई भी देवी देवता को मानता होगा तो वो क्या करता था कि मंदिर में जाके पहले पेड़ चढ़ाता। आज की डेट में भी तो हम लोग करते हैं, कितना एक हमारा एक विश्वास है इस चीज़ के अंदर कि जो देवी देवता हैं उनको क्या कहते हैं आप चढ़ाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आपको खाने के लिए दे रहे हैं वो लोग तो उनको चढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए एक प्रॉपर सेटअप शुरुआती मंदिर में तो नहीं होता था, लेकिन जब लोगों की आस्था और विश्वास मंदिर को लेके बढ़ने लग गई तो लोगों ने जब बहुत मात्रा में सामानों को चढ़ाना और देवी देवताओं को अर्पण करना चालू कर दिया तो फिर धीरे धीरे करके मंदिर की फैसिलिटीज़ को और बढ़ा दिया गया। मंदिर के आसपास कमरे बना दिए गए, यार्ड्स बना दिए जाते थे, शौच की सुविधा उपलब्ध करा देनी, ये बेसिक नेसेसरी चीज़ें थी जो क्या कहते हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी जाती थी। इतना क्लियर है, कुछ आप नॉर्मल सा भी समझ सकते हैं। मंदिर स्टार्टिंग समय में जो भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं वो इतने हाई क्लास नहीं होंगे, वो धीरे धीरे करके ही अच्छे होंगे, तो ऐसा इनके साथ भी हुआ है ना। तो देखिए ये मैप जो बनाया जा रहा है ना ये सिर्फ ये बताने के लिए दर्शाया जा रहा है कि जो गॉड था उनको स्पेशल इसलिए माना जाता था कि पहले एक जगह मंदिर एमर्ज हुए, पहले एक जगह मंदिर बने,
लोगों ने देखा कि हाँ यार आस्था और जो विश्वास है लोगों का मंदिर को लेके पर ज्यादा है। तो इससे क्लियर हो रहा होगा आपको, देखो अब मैंने बताया ना कि जब मंदिर बनाए जा रहे हैं उसका एक सबसे स्पेशल अंधविश्वास भी आप बोल सकते हो कि अंधविश्वास ही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो देवी जो हमें खाने को मिल रहा है शायद से वो हमारे देवी देवता हमें दे रहे हैं, तो उन्हें हमें चढ़ाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अब देखिए वो लोग ऐसा नहीं है कि एक सोने की चेन चढ़ा देनी, कुछ चढ़ा देना, जो उनके पास पैदा हो रहा है ना वही वो जाके गिफ्ट एज अ गिफ्ट देते थे। तेल की खेती हो रही है, मतलब सरसों की खेती हो रही है, सरसों चढ़ा देना, कोई कुछ भी दही है, अनाज है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो गेहूँ और अनाज था, है ना, मत्स्य पालन, और ये सारे के सारे लोग जो भी भगवान में विश्वास रखते थे सारे की सारी चीज़ें, प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ऑयल प्रोसेसिंग, फूड ग्रीनिंग एंड स्पिनिंग एंड वीविंग वुलन क्लोथ्स डन इन टेम्पल, तो ये सारी की सारी चीज़ें टेम्पल में चढ़ाई जाने लग गई। अब इतनी बड़ी मात्रा में हर जगह से आने लग गया तो सिंपल सी बात है उन रिकॉर्ड्स को रखना भी ज़रूरी होगा, रखना ज़रूरी होगा नहीं होगा। अब राजा के पास इतनी सैलरी नहीं हो रही है कि वो उन लोगों को सैलरी दे सके, तो वो क्या करता था राजा कि जो भी अपने आसपास के इलाकों में अगर वो मंदिर को बना रहा है, टेम्पल को जो बना रहा है, तो उन टेम्पल पे जिन लोगों को स्टैब्लिश करवा देता था या उनको काम के लिए रखवा देता था या किसी युद्ध से जीते हुए नॉर्मल लोगों को बैठा देता था, तो उनसे वो काम करवाते थे, रिकॉर्ड का काम करवा लेना। अब ऐसा माना गया है कि जब इतनी सारी मात्रा में चीज़ें आ रही है तो रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी रहेगा, और अगर जो भी काम वहाँ पे कर रहा है उनको सैलरी ना दी जाए पर खाने के लिए तो दिया जाए, राशन इतना सारा मिल रहा है टेम्पल में तो एटलीस्ट उनको दे दिया जाए। तो एक प्रोसेस बनाया गया कि जैसे पुजारी होते हैं, अब पुजारी है बहुत सारे टेम्पल में, इतने सारे काम हो रहे हैं, अब सभी को सैलरी राजा नहीं दे सकता, सैलरी चीजें तो थी नहीं, तो ये विश्वास माना गया कि उन लोगों को खाने पिलाने के लिए चीजों को दिया जाएगा, और जो लोग वहाँ पे नॉर्मल बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको बोला जाएगा कि भाई मंदिर की दीवार टूट रही है इसे बना दो, यहाँ पे ये दीवारें खींच दो, ये सफाई कर दो, फर्श धो दो, फलाना कर दो, ढंकाना कर दो, ये सारी चीजें मंदिर को और अच्छा बनाती थी और लोगों का विश्वास बढ़ता जाता था, और धीरे धीरे करते 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 ये मंदिर और ज्यादा फेमस होने लगे। तो अब देखिए रोल ऑफ किंग इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ द टेंपल इन द मेसोपोटामिया, अब किंग का रोल क्या होगा मैंने आपको बता ही दिया, जो राजा अपने आसपास के इलाकों में मंदिरों का निर्माण करवाता था वो सिर्फ क्या करता था कि उनको कहता था कि भाई ठीक है मेसोपोटामिया के अंदर क्या कहते हैं जो भी लोग होंगे उनको आप क्या कहते हैं फूड गेन के लिए चीजें पैसे ना दीजिए पर आप खाना दे दीजिए। सो यहाँ पे मेसोपोटामिया के मंदिर में किंग का क्या रोल है समझ में आ रहा है, क्योंकि उस समय कोई हेड तो होता नहीं होगा, है ना। सो यहाँ पे अब देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है, चीजें क्या है, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, होता क्या था कि टाइग्रेस और यूफ्रेट नदी में मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड लैंड होता था, एक डाउन कुछ एक ऐसे इलाके जहाँ पर क्या कहते हैं ऊपर के इलाके होते थे और कहीं पे नीचे के इलाके होते थे, तो जहाँ पे ये घर बनाए जाते थे आप देख सकते हो कुछ इलाके ऐसे होते थे जो ऊपरी सतह पे बनाए जा रहे हैं और कुछ इलाके ऐसे थे जो निचली सतह पे होते थे, तो इसकी वजह से होता क्या था कि पानी की मात्रा ज्यादातर जो ऊपर के इलाके होते थे इनको मिल जाता था और नीचे वाले इलाकों को पानी मिलता नहीं था, तो सूखे की सब चपेट में ये लोग आ जाते थे। यूफ्रेट नदी है, ये यूफ्रेट नदी में इन इलाकों को ज्यादा पानी मिल रहा है, और जब इन इलाकों को ज्यादा पानी मिल रहा है उन इलाकों के पास पानी जा नहीं रहा है तो सिंपल सी बात है इनका विरोध करेंगे। अब आपस में लड़ाई जब होगी इन लोगों की, जब इन लोगों की आपस में लड़ाई होगी तो क्या दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप जरूर जीतेगा, जब कोई एक ग्रुप जीतेगा तो उस ग्रुप में से जो ग्रुप जीत गया है वो क्या करेगा उस बंदे के जितना भी सारा पैसा अनाज सब कुछ कब्जा कर लेगा, इस तरह से सिस्टम बनाया जाता था। और देखिए अब सिस्टम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं कर रहे एक नियंत्रण युद्ध होता था तो वह प्रमुख युद्ध सफल रहे, लूट को बांटकर अपने अनुयायियों को उजागर कर सकते थे और विभिन्न कार्यों के लिए मंदिर के काम में करने के लिए पराजित समूह कैदी में ले लेते थे। अब सिंपल सी बात है ये समझना आपको आ रहा होगा,
उनको यही कहते थे कि भाई आप क्या कहते हैं, अब आपके राजा को हमने हरा दिया है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो जो राजा जीत गया था वो पूरे के पूरे उन लोगों कैदी बना लेता था। जितना अनाज गेहूँ जितना सोना सामान जागीर जो भी था सारा अपने अंडर में ले लेता था, और अंडर में लेने के बाद उन लोगों के साथ क्या करता था, वो कहता था कि अब आप हमारे क्या कहते हैं युद्ध बंदी हो चुके हो, और अब हम आपसे आपका इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल करने का सेम टू सेम यही मकसद रहेगा कि मंदिर के अंदर काम करवाया जाएगा, नॉर्मल बेसिस पे जो काम होंगे वो सारे के सारे इन लोगों से क्या कहते हैं काम करवाए जाएंगे। और मंदिरों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता था उस समय, क्योंकि मंदिर में ही तो सब कुछ चढ़ावा आता था, मंदिरों की बहुमूल्य चीजों को लूट लिया जाता था, और राजा लूटने के बाद वहां के पूरे इलाके को स्टैब्लिश कर लेता था अपने आप से। तो एक कारण ये भी था इनके युद्ध का कि जिसकी वजह से डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट कल्चर्स पैदा हुए, डिफरेंट क्या कहते हैं अम्पायर आए। जैसे हमने पढ़ा शुरुआत में अमेरिक करके, अकाडियन करके, अशूरियन करके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है ना। सो बेसिकली अब यहाँ पे होता कहता है कि जिन लोगों को क्या कहते हैं उठा लिया जाता था, उन लोगों को क्या कहते हैं ऐसा बोला जाता था कि 10-10 घंटे उन लोगों से काम करवाया जाता था, और कृषि की बजाय ये अनिवार्य था कि लोगों को काम पर राशन का भुगतान किया जाए। नॉर्मल से यही जो मैंने आपको बताया अभी कि जब राजा किसी इलाके को कैप्चर कर लेते थे तो वो कहते थे कि भाई इन गुलाम लोगों से काम करवाया जाए 10-10 घंटे 12-12 घंटे। तो मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए, सफाई के लिए, हर चीज के लिए इनसे काम करवाया जाता था जब राजा किसी इलाके को जीत लेता था। और उसके बाद वो उन्हीं लोगों को कहता था कि आपको सैलरी नहीं दी जाएगी पर आपको राशन दिया जाएगा। ये नॉर्मल सा फंडा है, ठीक है। अब हमें कवर करना है कि जो अर्ली मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें जो एक लाइफ ऑफ उर्ग सिटी की थी वो किस प्रकार के वो लोग वहां पे रहते थे। तो जैसा कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये यूप्रेट और टाइग्रिस नदी के जस्ट बिल्कुल पास में एक सबसे पुरानी एक्सकेवेट खोदने के बाद यहाँ पे सबसे पुरानी सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसा कि आपको इस मैप के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे ए जाइंट टेम्पल डिसाइड टू बी मून गॉड और नैना एंड हिज वाइफ नाइंगल डोमिनेट दिस सिटी। सो दिस इज द बेसिक टेम्पल इन दिस प्लेस एंड दिस इज द कैनल कनेक्टेड टू उर्ग नियर बाय द एरोप्रेस रिवर्स है ना, यूफ्रेट यूफ्रेट रिवर से जस्ट कनेक्ट कैसे होती है ये रिवर, और यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डेवलप करा गया होगा। मैसिव वॉल प्रोटेक्टेड द वर्क प्रोटेक्टेड वर्क सिटी फ्रॉम द अटैक। ये पूरा का पूरा मैसिव वॉल आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे उर्ग सिटी को कवर करके बैठा हुआ है। तो अभी हम उर्ग सिटी से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे पाऊँ। देखिए सबसे पहले तो उर्ग सिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर नॉर्मल सा एक फंडा है। जैसे कि आज की डेट में हमारे पास भी एक न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें एक आदर्श परिवार होता है, लड़की की लड़की से शादी होती है, और ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बेटों के साथ ही परिवार में रहते थे। और एज यूजुअल जैसे कि आज की डेट में हमारे साथ भी होता है ये कि हमारी फैमिली के हेड हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो ऐसा ही मेसोपोटामिया के अंदर जो लाइफ ऑफ सिटी उर्ग पाई जाती थी उसके अंदर भी फैमिली का मुखिया जो होता था वो आपका पिताजी, यानी कि पिताजी ही होते थे सबसे बड़े हेड। तो ये चीज़ देखी जाते हैं यहाँ से कि मेसोपोटामिया जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट माना जाता है। शादी के समय ज़्यादातर यही होता था कि दोनों पक्षों से आपस में चीज़ों को एक्सचेंज करना, जो भी सिस्टम होता होगा इनके पास। अब शादी के बाद देखिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि इनका बिलीफ पूरी तरीके से तो था ही कि मंदिर में चीज़ों को चढ़ाना और चीज़ों को अर्चना करनी उसकी, और गॉड को देना एक हिस्सा गॉड को देना, क्योंकि उनको लगता था कि सब कुछ इन्हीं के थ्रू हो रहा है। सो आप बोल सकते हैं कि अर्ली मेसोपोटामिया सभ्यता जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी पाई जाती है वो उर्ग सिटी थी, और मेसोपोटामिया उर्ग वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी टू हैव बीन एक्सकेवेट इन द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पुरानी सिटी जो खुदाई के समय मिलती है हमें वो अर्ली सिटी में से उर्ग ही थी। तो नॉर्मल सा इसके अंदर था, शादी होती थी,
दोनों पक्षों में क्या कहते हैं उपहार का आदान प्रदान किया जाता था, और उसके बाद वो पूरी की पूरी फैमिली जाती थी मंदिर के अंदर अपने आसपास के मंदिरों में, और उन चीज़ों को भी वो जो भी चीज़ें मिलती थी और प्रसाद के रूप में वो वहाँ पे भी चढ़ा देते थे। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखने को ये मिलता है कि आपने जब मैप देखा होगा मेसोपोटामिया का, उस मेसोपोटामिया के अंदर जो उर्ग सिटी है उसके अंदर कोई कोई सड़कें ऐसी बहुत ज़्यादा घुमावदार थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी कि वहाँ पे व्हील गाड़ी वाले घर तक ही नहीं पहुँच पाते थे। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमें अपना सामान कुछ लेके जाना है तो हम बिल्कुल घर घर के अंदर तक चीज़ों को नहीं पहुँचा सकते थे। जैसे आज की रेट में अगर आपके पास 500 गज का प्लॉट है तो आपके घर के बाहर 20-25 फुट छोटा चौड़ी रोड होगी, लेकिन यहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर ऐसी जगहें भी थी जहाँ पे छोटी छोटी सड़कें थी, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ पे बहुत कम सड़कें मिलती थी, सड़कें बहुत ज़्यादा घुमावदार होती थी, तो चीज़ों को लाने और ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो आप बोल सकते हैं कि जो भी अनाज होते थे, फायरवुड होते थे, वो ज़्यादातर क्या कहते हैं गधों पे या उनकी चीज़ों पे लाद दिए जाते थे ताकि जो उनके खाने पीने का सामान है वो पूरी तरीके से उनके घर तक पहुँच सके। एज यूजुअल मेसोपोटामिया के साथ भी ऐसा ही था, और हमारे हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें भी हमें यही देखने को मिलता है कि भाई हाँ सही मायने में वहाँ पे जो सड़कें थी वो काफ़ी पतली होंगी। सो नैरो विंडिंग स्ट्रीट एंड द इनरेगुलर शेप ऑफ द हाउस प्लॉट ऑल्सो इंडिकेट एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। तो आप बोल सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं जो रास्ते घुमावदार हैं और वहाँ पे छोटे बड़े घर बने हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे शायद से इनके पास टाउन प्लानिंग, दैट मीन जो हमें सबसे अच्छा मेसोपोटामिया में नहीं मिलता है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है देखने के लिए, वो हमें यहाँ नहीं मिलता था, तो ये भी एक लॉस वाली बात है। तो यहाँ पर देर आर नो स्ट्रीट ड्रेन ऑफ अ काइंड, दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर ऐसी कुछ सड़कें नहीं होती थी कि साइड साइड में नाली की व्यवस्था अच्छी होती थी, क्योंकि जो सिटी ऊपर की तरफ होते थे उनमें दिक्कत होती थी। नाली और मिट्टी के पाइप को इसके बजाय उर्ग घर के भीतर के आंगन में पाया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि घर की छत वार्ड में घूमती थी और बारिश का पानी को भीतर आंगन में ही नाली के पाइप से माध्यम से भेजा जाता था। यानी कि क्योंकि जो उर्ग सिटी थी उसके अंदर नाली जैसा सिस्टम तो कुछ था नहीं, तो इसी वजह से होता क्या था उनकी जो छत की दीवारें और उनके साथ लगी जो छत होती थी उनका मुंह जो होता था वो उनके आंगन की तरफ होता था। यानी कि अगर बारिश का पानी गिरना है तो बाहर मेन रोड पे नहीं गिरेगा, वो ज़्यादातर क्या कहते हैं अंदर ही गिरता था, और पानी जो होता था ऐसा सिस्टम बनाया जाता था कि पानी नाली के माध्यम से एक उनके बाहर के इलाकों में निकल जाता था। तो आप बोल सकते हो कि गली जो थी ना, गली के अंदर क्या कहते हैं ये लोग ज़्यादातर इंटरफेरेंस नहीं करते थे, क्योंकि गली वैसे ही इतनी ज़्यादा पतली होती थी, चीज़ों को लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो ये भी प्रॉब्लम थी इसके अंदर। लेकिन फिर भी एक ऐसा माना जाता है कि बारिश का पानी उनके घर के आंगन के अंदर ही गिरता था। देखिए इसके अंदर मेसोपोटामिया में जो उर्ग सिटी पाई जाती है उसकी खास बात ये थी कि होल्ड पे एक ऊपर हाइट पे क्या कहते हैं ये घर बनाए जाते थे, बहुत हाइट पे ये लोग घर बनाते थे। तो जो इनका खुद का कूड़ा होता था ये घर के बाहर गलियों में नहीं फेंकते थे, ये लोग क्या कहते हैं उन सब कूड़े को ज़्यादातर अपने घर के अंदर ही सीमाओं के अंदर ही रखते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर क्या कहते हैं जो बाहर का कूड़ा है वो बाहर ही रहेगा, गलियाँ वैसे ही इतनी ज़्यादा पतली होती थी तो प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि गलियों के अंदर कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए ये लोग अपने घर का कूड़ा अपने घर में ही रखते थे। इवन हम बोल सकते हैं कि अगर छत के द्वारा जो मिट्टी से कुछ बह के भी आ रहा है इनकी छतों से तो ये लोग अपने अंदर ही उन चीज़ को साफ सफाई करके रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब खुदाई हुई थी तो उस टाइम पे यहाँ पे चीज़ें जो थी वो खुदाई करते वक्त ये पता चला कि इनके घर के अंदर ही ये लोग कूड़ा रखते थे, बाहर ये गलियों में नहीं फेंकते थे कूड़े को। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि जो दीवार जो थी इनकी मेन जो इनका मेन डोर होता था वो डोर जो होता था वो अंदर की तरफ खुलता था, और इनके जो मेन गलियां होती थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर तो ऐसा था कि मेन गलियों के सामने डोर होते ही नहीं थे, ये डोर पीछे की साइड खुलते थे, लेकिन इनमें इनका अपोजिट था। इनका ये था कि
दरवाजा तो मेन रोड पे खुलना है, लेकिन क्या कहते हैं, दरवाजा अंदर की तरफ खुलना है, क्योंकि ऐसा ये लोग मानते थे कि अगर दरवाजा अंदर की तरफ खुलेगा तो जो इनके घर में शादी करके जो लड़की आती है वो उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होगी। और नॉर्मल सा है, जो प्रकाश था वो या तो आंगन में ऊपर की तरफ से आता होगा या तो खिड़कियों की तरफ से आता होगा। तो ये दो तरीके थे जहां से इनके घरों के अंदर प्रकाश आया करते थे। अब इनका अंधविश्वास जो था, जो ऑर्नामेंट के हमारे टैबलेट के अंदर हमें देखने को मिलता, वो यही था कि इनकी हाइट काफी हाइट पे इनके घर होते थे, और ऐसा विश्वास माना जाता था कि जो लड़की है अगर वो आंगन जो है आंगन के अंदर जो सॉरी जो लड़की है अगर वो दरवाजा अंदर की तरफ खोलती है, दैट मीन्स वो उनके लिए शुभ होगा और वो लड़की उनके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, परिवार के कल्याण के लिए, विकास के लिए, आप बोल सकते हैं कुछ भी, उसके लिए अच्छा मानते थे बस, और कुछ नहीं है इसमें ऐसा। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा कि ज्यादातर जो इनका उर्क सिटी था उन लोगों ने अपनी खुद की सिमेट्री बनाई, एक कब्रिस्तान बनाया, और वहाँ पे क्या कहते हैं ये लोग कब्रें बनाया करते थे, और लोगों को वहाँ पे क्या कहते हैं लोगों को जब मरने के बाद स्पेशली ये लोग क्या कहते हैं कब्रिस्तान बना के वहाँ पे लोगों को गाड़ दिया करते थे। घरों के अंदर बहुत कम लोगों क्या कहते हैं यहाँ पर गाड़ा गया होगा, ऐसा कहा जाता है। इनके कबर है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कबर का इस्तेमाल करते थे, ग्रेवयार्ड्स का सिमेट्री का इस्तेमाल करते थे, और ये उन सब चीज़ों को जब उनके घर में किसी की मौत हो जाती होगी, किसी की डेथ हो जाती होगी, तो ये लोग घरों के अंदर ही लोगों को नहीं दफनाते थे, उनके लिए एक अलग जगह होती थी। सो नेक्स्ट मूव ऑन, दूसरी अब एक और सभ्यता थी। देखिए यहाँ पे बहुत सारी साइट्स देखने को मिलती है, लेकिन उर्ग सिटी और मरी, एक मरी भी जगह थी, मरी भी अपने आप में बहुत फेमस थी, जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये मरी मैंने यहाँ पे इसलिए फेमस करा है क्योंकि लगभग 2000 के बाद मरी में शाही परिवार का विकास हुआ। एक्चुअली होता क्या था कि यहाँ पे पेस्ट्रोल जोन था, ये एक व्यापारिक टाउन था, तो ये क्योंकि मरी जो था यहाँ पर एक नदी के बिल्कुल यूफ्रेट नदी के बिल्कुल आसपास में बसा हुआ था, तो इनके पास अपनी खुद की सेना तो नहीं होती थी, लेकिन यूफ्रेट नदी के बिल्कुल अपस्ट्रीम पे था ये स्थित, तो इसका इनको फायदा होता था। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा का पूरा मरी शहर है, यहाँ पर एक है मरी, यहाँ पे भी मरी है, तो यहाँ से यूफ्रेट नदी जो है जा रही है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल सा एक प्रोसीजर बनाया गया था, इन क्षेत्रों के अंदर पशुपालन तो किया जाता था और भेड़ बकरियां जो थी वो भी इस्तेमाल में लाई जाती थी। तो होता क्या था कि जब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो चीजों को एक्सचेंज करने के लिए बाटा सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे जो भी राजा या महाराजा हुआ करते होंगे तो जिनके पास क्या कहते हैं एनिमल होता था वो चीज में बदल लेते थे या लेदर में बदल लेते थे, जिनके पास लेदर होता था वो एनिमल में से किसी को दूसरे को दे के बदल लेते थे, इसी को हम बाटा सिस्टम के नाम से बोलते हैं। और गाइस देखिए आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे बाटा सिस्टम कितना ज्यादा काम करा होगा इसने, जो आज की डेट में हम बाटा सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों ने उस टाइम पे यूज करा था। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक और तरीका था कि जब कभी भी कोई नोमैडिक ग्रुप जो होता था जो वेस्टर्न डेजर्ट से दूसरे एग्रीकल्चर लैंड पे आता था, तो ये लोग क्या करते थे कि उनसे चीजें तो ले ही लेते थे, लेकिन साथ साथ में ये लोग क्या करते थे कि अपने देवी देवताओं के लिए उन लोगों से व्यापार के माध्यम से ये भी बोला करते थे कि भाई आपको क्या कहते हैं आप हमें अपने हिस्से में से 10वां हिस्सा देना पड़ेगा, जो क्या कहते हैं हम अपने राजा को या अपने मंदिर में उन चीज़ों को चढ़ा सके, उनकी अर्चना कर सकते, उन्हें भेंट दे सके। सो वगैरह ऐसी चीजें भी इसके अंदर देखने को मिलती हैं हमें। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे कि उन लोगों से क्या कहते हैं चीजें ले लेते थे और अपने देवी देवताओं को क्या कहते हैं चीजों को चढ़ा देते थे। तो आप बोल सकते हैं कि इस तरह से मेसोपोटामिया के अंदर जो कल्चर पैदा हुआ होगा वो इसी वजह से हुआ होगा, क्योंकि अब इतने सारा बड़ा प्लेस है, इतने सारे राजा महाराजा यहाँ पे रह के भी चले गए थे, जैसे कि मरी के राजा अमूरिया थे, उन्होंने मैदान के देवता दागान के लिए मरी में एक मंदिर बनवाया था, तो ये मंदिर भी सिर्फ उसी के लिए था कि हाँ भाई हमारे देवताओं के लिए हम यहाँ पे चीजों को चढ़ाएंगे और हम अपने फसल का 10वां हिस्सा उनको देंगे। तो ऐसा आपने देखा था कि ऐसा सिस्टम तो मैंने शुरुआत में आपको बता ही दिया था कि ये चीजें इस्तेमाल होती होगी।
तो ऐसा यहाँ पे भी इस्तेमाल होता था कि भाई जो नए नए राजा आए उन्होंने नए नए मंदिर बनाए, और नए नए मंदिर बनाए तो इसकी वजह से नए नए सिविलाइजेशन यहाँ पे पैदा हो जाती है, एक मिक्स सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। तो ऑल ओवरऑल अगर मैं बोलूँ आपको कि मरी जो था समृद्ध व्यापार केंद्र था, ये एक अच्छा उदाहरण था। यहाँ पे कई राजा आए और कई राजा गए, हर किसी ने टैक्स लेने के अपने तरीके को बदला। कोई कहता था कि आप सामान को एक्सचेंज करिए, जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए, जो हमारे पास है वो आप ले लीजिए जरूरत पड़ने पे। और कोई कहता था कि आपको फसल का 10वां हिस्सा देना है, तो वगैरह वगैरह करके ऐसा। लेकिन ये व्यापार के मामले में काफी अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता देते थे कि वुड, कॉपर, टीन, ये सारा कहाँ से हम लोग लेते थे। ये सारा का सारा पत्थर, लकड़ी, शराब, तेल, जार पीसने वाले नौकर मरी में दक्षिण शहर के रास्ते से रुक जाएगी। तो ऐसा हमने देखा कि यहाँ यहाँ यूज होता था। अब सिटी इन मेसोपोटामिया कल्चर की बात करें, अगर हम मेसोपोटामिया के अंदर, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेसोपोटामिया के अंदर रहने वाले जो लोग थे अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग कल्चर्स यहाँ पैदा हुए होंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा था कि एक एक राजा आता था, वो दूसरा उस पर अटैक करता था किसी वजह से, और फिर वो उनकी प्रॉपर्टीज को अपना लेता था और सारी चीज़ों को फिर अपने हिसाब से कल्चर वहाँ बनाता था। तो आप बोल सकते हो कि अब ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ के कोई राइटर्स होते होंगे जो अपनी किताबों के अंदर चीज़ों को लिख कर याद रखते होंगे कि भाई यहाँ पर क्या कहते हैं इतना बड़ा ट्रेडिंग सिस्टम हुआ करता होगा इस राजा के कार्यकाल में, है ना। तो ये चीज जरूरी थी इसके अंदर। अब अगर हम बात करें कि लेगेसी ऑफ राइटिंग, क्योंकि देखिए अब इतना बड़ा ट्रेड हो रहा है इनके बीच में, एक राजा दूसरे राजा के बीच में ट्रेड कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हमने देखा कि जो सुमेरियन लैंग्वेज थी वो सबसे पहले एमर्ज होती है इतने टाइम पीरियड के बीच में, और इन लोगों ने यहाँ पे जो कल्चर बनाया मेसोपोटामिया, वो सबसे बड़ी विरासत के रूप में लोगों को देखे गए। इन लोगों ने, ये लोग शायद से पहले व्यक्ति माने गए थे जिन्होंने क्या कहते हैं समय की गणना करी। गणित के विद्वान, बड़े बड़े विद्वान हमें यहाँ देखने को मिले। इन्होंने नक्षत्र पढ़े, इन्होंने तारों का ज्ञान लिया, और इन्होंने हर चीज जो आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं लेगेसी ऑफ राइटिंग को, जैसे कि कैलेंडर को देखना और उसके बाद कैलेंडर के अंदर कितने साल होंगे, कैलेंडर के अंदर एक महीने में कितने सप्ताह होंगे, उसके बाद एक घंटे में कितने, एक दिन में कितने घंटे होंगे, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होंगे, एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, ये सारी की सारी चीजें उन लोगों ने इसने स्टार्टिंग टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेट के साथ बताया लोगों को, जो आज की डेट में हम सही मायने में बहुत सही तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो इन लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखे, लोगों को सिखाया समझाया मल्टीप्लीकेशन के बारे में। स्क्वायर रूट्स इन्होंने इस्तेमाल करके दिखाई, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाया। तो ऑल ओवर ऑल हम बोल सकते हैं कि अगर इस चैप्टर का नाम जो मेसोपोटामिया कल्चर के अंदर राइटिंग इन अ सिटी लाइफ, ये जो चैप्टर का नाम है वो गलत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शुरुआती समय व्यापार करने के लिए इतना हम इस्तेमाल कर रहे थे चीज़ों का, तो हमें रिटर्न में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों का। इसीलिए हमने लेगेसी ऑफ राइटिंग इसमें ज़रूर डाला आपके लिए। सो गाइज, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको चैप्टर को बताने में। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है या आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो गाइज प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको इस चीज़ कैसे लगी स्लाइड के बारे में। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। फाइनली, अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इस चैनल के सपोर्ट के लिए और नॉलेज के लिए बताते रहिए। सो गाइज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।